हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पीएससीबी विद्यार्थियों के रिजल्ट अपडेट को लेके बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, जिसमें उनके किस तारीख को रिजल्ट आ रहा है वो अपडेट आ चुकी है। 10th का रिजल्ट कब आ रहा है, 12th का रिजल्ट कब आ रहा है, पर्टिकुलर एक डेट आ चुकी है जिससे आपको पता लगेगा आपका रिजल्ट कब आ रहा है। तो अगर चैनल पर नए हैं और इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन के जरिए अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते तो वहाँ पर हम आपको फटाफट इसके अपडेट को बता देते हैं। तो चलिए, क्या है खबर और किस तारीख को आपकी जो है रिजल्ट वो डिक्लेयर हो रहा है, मैं बताती हूँ 10th का कब हो रहा है और 12th का कब हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये देख सकते हो आप, शिक्षा बोर्ड वालों 10वीं का नतीजा 29 जून अते 12th दी श्रेणी दी प्रीख्या का नतीजा 24 जून नू किता जावेगा घोषित। ये देख सकते हो आप, अभी 16 मिनट पहले की ये जो न्यूज़ है। चलिए, क्या है पूरी खबर ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ये पूरी खबर है जहाँ पर आपको बता दिया गया है कि शिक्षा बोर्ड की तरफ से आपके नतीजे दी तारीख ऐलान कर दी गई है। वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। 12th दी श्रेणी का नतीजा उन्होंने बोला है 24 जून को और 10th श्रेणी का नतीजा 29 जून को जो है घोषित किया जाएगा। और अगर आप अपने नतीजे का रिजल्ट फटाफट देखना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया ऐप सजेस्ट करती हूँ। आप इस ऐप को डाउनलोड करके नतीजा आप फटाफट अपने जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो कौन सा ऐप है वो आप देखिए। सब तो पहले तुसी अपना रिजल्ट देखने लई प्ले स्टोर ते सर्च करना है पंजाब बोर्ड रिजल्ट। उसके बाद इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पे आपने क्लिक करना है। इस लोगो पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट एजुकेशन के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद ये आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर इसकी रेटिंग भी कर सकते हो, यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग भी कर सकते हो। उसके बाद जो है आप इसके बारे में रिव्यू भी लिख सकते हो, जैसे कि पंजाब बोर्ड रिजल्ट, इस तरीके का आप अपना रिव्यू लिख करके यहाँ पर ये पोस्ट देख रहे हो, आप यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक कर देना तो आपका रिव्यू चल